जब हम डेंटल सर्जन किसी पेशेंट को डेंटल सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं, तो हमारा मेन एम ये सुनिश्चित करना होता है कि वो कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करे। नमस्ते व्यूवर्स, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको बताया गया है कि आपको डेंटल इम्प्लांट की आवश्यकता है, लेकिन आप अपने ऊपरी जॉ यानी कि जबड़े में लैक ऑफ बोन वॉल्यूम के कारण रेगुलर इम्प्लांट नहीं करा सकते हैं, तो क्या आप निराश हो गए? आज का ये वीडियो आप डिटेल में जानेंगे कैसे तीसरे टाइप की इम्प्लांट प्रोसीजर के बारे में, जिसको जाइगोमेटिक इम्प्लांट कहते हैं। जाइगोमेटिक इम्प्लांट अन्य प्रकार के इम्प्लांट से भिन्न यानी कि डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वे जाइगोमेटिक या फिर चिक बोन में लगे होते हैं, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। क्या आप जानते हैं ये इम्प्लांट्स 1980 के दशक से उपयोग में आ रहे हैं और इनकी सफलता का एक लंबा इतिहास है। जाइगोमेटिक इम्प्लांट का यूज कई स्थितियों के कारण ऊपरी जबड़े के पिछले हिस्से में अपर्याप्त हड्डियों वाले रोगियों में डेंटल रिहैबिलिटेशन के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की हानि में वृद्धि, या ऐसे रोगी जिनके दांत कम उम्र से ही खराब हो गए हैं या फिर डेंचर खराब हो गए हैं, रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, ट्रॉमा या फिर सीवियर बोन रिजॉर्प्शन यानी कि एट्रोपी वाले सिचुएशन में जाइगोमेटिक इम्प्लांट सक्सेसफुली किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जाइगोमेटिक सर्जरी को कहते क्या है। सिंपल वर्ड में, जाइगोमा रिडक्शन, जिसे चिक बोन रिडक्शन सर्जरी के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी सर्जरी है जिसका उपयोग जाइगोमेटिक बोन और आर्च के हिस्से को काटकर चेहरे की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, जाइगोमेटिक इम्प्लांट का आविष्कार किस तरह से हुआ और किसने किया था। कैंसर या दुर्घटनाओं के कारण मैक्सिला में एग्रेसिव सर्जरीज करने वाले मरीजों के अल्टरनेटिव टू रिहैबिलिटेट पेशेंट के रूप में जाइगोमेटिक इम्प्लांट को प्रोफेसर पी ब्रैनमार्क जी ने डेवलप किया था। जाइगोमेटिक इम्प्लांट किस प्रकार के मरीजों के लिए उपयुक्त है? जाइगोमेटिक इम्प्लांट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ऊपरी जबड़े वाले रोगियों के लिए एक वैलिड रिलायबल ट्रीटमेंट है। इन रोगियों को अक्सर कहा जाता है कि वे इम्प्लांट का उपचार नहीं करा सकते, क्योंकि पर्याप्त जबड़े की हड्डी नहीं बची है। मतलब जब ऊपरी जॉ बोन की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है, तो इन इम्प्लांट्स का उपयोग ऊपरी जबड़े के रिकंस्ट्रक्ट यानी पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है। और ये इम्प्लांट रेगुलर रूट फॉर्म डेंटल इम्प्लांट्स के प्लेसमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। जाइगोमेटिक इम्प्लांट को इमीडिएट फिक्स रिप्लेसमेंट टीथ यानी कि डेंटल ब्रिजेस को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। सीवियर केसेस ऑफ एडवांस बोन वॉल्यूम लॉस, फुल अपर सेट ऑफ रिप्लेसमेंट टीथ के सपोर्ट के लिए ऊपरी जबड़े के प्रत्येक तरफ दो जाइगोमेटिक इम्प्लांट और कॉर्ड जाइगोमा लगाए जा सकते हैं। इन उपचार का उपयोग क्लेफ्ट पैलेट पेशेंट यानी कटे हुए तालू के रोगियों के डेंटल रिहैबिलिटेशन के लिए भी किया जाता है। दूसरी बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर की तुलना में जाइगोमेटिक इम्प्लांट के लिए सर्जरी कम इन्वेजिव होती है, इससे जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसमें रोगी को डेंचर पहनने की आवश्यकता नहीं होती है या किसी भी अवधि के लिए दांतों के बिना रहना पड़ता है और बहुत कम असुविधा होती है। जाइगोमेटिक इम्प्लांट के लिए ट्रीटमेंट प्लान कैसे तैयार किया जाता है? जाइगोमेटिक इम्प्लांट के लिए ट्रीटमेंट प्लान डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, जो सिटी स्कैन बेस्ड विजुअल प्लानिंग के साथ कस्टम सर्जरी गाइडेंस को उपयोग में बनाया जाता है। इससे ऑपरेटिंग टाइम बचता है और फाइनल डेंटल ब्रिज भी परफेक्ट बनता है। आज लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट की मदद से विशेषज्ञ सर्जन अपने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस से और स्किल के साथ सबसे सेफेस्ट एनवायरमेंट में उपचार करने में सक्षम है। जाइगोमेटिक इम्प्लांट के कुछ लाभ क्या होते हैं? जाइगोमेटिक इम्प्लांट रोगियों को बेहतर स्माइल अपीयरेंस एंड एस्थेटिक के माध्यम से अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करने में मदद देता है। कैसे? वे फिक्स डेंटल ब्रिजेस से जुड़े बेहतर मौखिक कार्य जैसे बोलने, खाने और निगलने और सहज बातचीत करने में जो पेशेंट को खुशी और आत्मविश्वास वापस लौटाता है, उसका तो क्या ही कहना। और तो और, बेटर लुक एंड अपीयरेंस, इम्प्रूव्ड स्पीच और सेल्फ एस्टीम, नॉर्मल लुकिंग टीथ और गम्स, आपको जो पसंद है उसे खाने की आजादी, खुलकर हंसने का आत्मविश्वास, दांत जो फिक्स रहते हैं, बोन ग्राफ्टिंग के मुकाबले फास्टर हीलिंग, लो मेंटेनेंस भी होते हैं। ध्यान रहे,
जाइगोमेटिक इम्प्लांट हाई क्वालिटी मटेरियल से बने होते हैं और उचित देखभाल के साथ वे जीवन भर चल सकते हैं। लेकिन पारंपरिक डेंटल इम्प्लांट की तरह जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स का जीवन काल मौखिक स्वच्छता और समग्र स्वास्थ्य के आधार पर रोगी से रोगी में अलग हो सकते हैं। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की तरह जाइगोमेटिक डेंटल इम्प्लांट लगाने से जुड़े रिस्क भी होते हैं, जैसे इन्फेक्शन, नर्व डैमेज, इम्प्लांट फेल्योर। ये रिस्क आमतौर पर कम हो जाते हैं जब प्रोसीजर एक योग्य और अनुभवी मौखिक सर्जन के दंत चिकित्सक द्वारा की जाती है, यानी कि डेंटल सर्जन द्वारा की जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।